So hello class 11. Today we are starting a new phylum which is mollusca. Mollusca है जो नया phylum हम वो start कर रहे हैं. Mollusks are commonly called soft-bodied animals. ठीक है जी. Today we are starting a new phylum mollusca. Phylum mollusca. ठीक है जी. जिन्हें हम soft-bodied animals भी कहते हैं. नरम खाल वाले जीव. जिन्हें हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी कहते हैं. ठीक है जी. जिसके अंदर क्या है आते हैं मोलिस. मोलस्का का मतलब किससे निकला है वर्ड मोलिस से. और मोलिस का मतलब होता है सॉफ्ट नरम. ठीक है जी. नरम. तो इसके एग्जाम्पल क्या है कुछ इंपॉर्टेंट. जैसे आपका सेल हो गए संख हो गया. ठीक है जी. पीला. ठीक है जी. स्नेल. पीला स्नेल. सेप्टा. डेंटेला. पीला स्नेल सेप्टा डेंटेला आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फाइलम मोलस्का. फाइलम मोलस्का इज नोन हैज सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स एंड इट इज ड्राइव फ्रॉम अ वर्ड मोलिस विच मीन्स सॉफ्ट. ठीक है जी. किससे निकला है वर्ड मोलिस से जिसका मतलब होता है नरम यानी कि सॉफ्ट. सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें कैसा होगा. ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन फाइलम मोलस्का. फाइलम मोलस्का के अंदर कैसा होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन मोलस्का. ठीक है जी. मोलस्का के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. ठीक है जी. तो क्या है सबसे पहले ऑल मोलस्का आर सॉफ्ट बॉडीड. सभी मोलस्का की बॉडी कैसी है सॉफ्ट है नरम है. ठीक है जी. या फिर हम क्या कह सकते हैं ऑल मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल. सभी नरम खाल वाले जीव है. ठीक है जी. ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर क्या है सेल से टिश्यू बन गया. टिश्यू क्या हुआ आगे टिश्यूज ने कॉम्पैक्ट ऑर्गन्स बना दिए. तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. एंड विच टाइप ऑफ सिमेट्री शोन बाय देम लाइक एनालिडा लाइक अर्थ्रोपोडा दे आल्सो शो बाइलेटरल सिमेट्री. ये भी क्या शो करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं. इनकी बॉडी को भी सिर्फ और सिर्फ अगर क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे सेंटर प्लेन से क्रॉस करेंगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है जी. दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते. तो कैसी सिमेट्री है बाइलेटरल सिमेट्री. बाइलेटरल सिमेट्री है. ठीक है बच्चों जी. जर्म लेयर कैसी है अब बात आती है. ये तीन पॉइंट हो गए. ऑल मोलस्का आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स देन ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन बाइलेटरल सिमेट्री शोन बाय देम देन आते हैं जर्म लेयर. फिर हम बात करते हैं जर्म लेयर. अब हम बात करते हैं जर्म लेयर. तो थ्री जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट इन देम. थ्री जर्म लेयर है और जिनके अंदर थ्री जर्म लेयर होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो दे आर आल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है. और वो तीन जर्म लेयर कौन सी होती है बाहर वाली एंडोडर्म
फिर बीच की मेसोडर्म, और जिनके अंदर दो लेयर्स होती है उनके अंदर जेली लाइक बीच में स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों लेयर्स के बीच में मेसोग्लिया कहते हैं उस जर्म लेयर को, और वो मेसोग्लिया किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मेसोडर्म में। एंड द लास्ट इनर वन इज कॉल्ड एक्टोडर्म, सही है, सही है क्या? मुझे गलत लग रही है। आउटर इज एक्टोडर्म, मिडल इज मेसोडर्म एंड इनर इज एंडोडर्म। ठीक है बच्चों जी, सबसे बाहर एक्टो होगी, फिर मेसो होगी और फिर एंडोडर्म होगी। तो ये तीन जर्म लेयर्स होती हैं, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। अब बात आती है बॉडी कैविटी की, किसकी बॉडी कैविटी की, बॉडी कैविटी कैसी है इनमें, ये क्या है, ट्यूब ऑइलमेट है, मतलब बॉडी कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट है, दे आर ट्यूब ऑइलमेट्स, मतलब बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट है, पर क्या है, लेकिन बट ये कैसे है, हीमोकॉइलमेट भी है, लेकिन ये हीमोकॉइलमेट्स भी है। बॉडी कैविटी तो है बस, पर उस बॉडी कैविटी में और कुछ होने की बजाय, कोई कैविटी फ्लूइड वगैरह होने की बजाय क्या भरा हुआ है, ब्लड। हीमोकॉइलमेट्स हम किन्हें कहते हैं, जब वो बॉडी कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट हो, ब्लड ही ब्लड प्रेजेंट हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हीमोकॉइल्स कहते हैं। बार बार मुझे इनके बारे में बताना तो नहीं, कोई जरूरत तो नहीं होगी ना, क्योंकि बहुत बार हम इस वर्ड को पढ़ चुके हैं, व्हाट इज हीमोकॉइलमेट, व्हाट आर द ट्यूब ऑइलमेट्स, व्हाट आर एकोइलमेट्स, व्हाट आर स्यूडोकॉइलमेट, क्योंकि अभी तक कम से कम 7 फाइलम्स के अंदर बार बार ये वर्ड्स आ चुके हैं, और अब हमें ये रट जाने चाहिए कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। ठीक है बच्चों जी, तो मोलस्का ट्यूब ऑइलमेट बट हीमोकॉइलमेट्स। ठीक है जी, इनकी बॉडी भी क्या है, तीन विभागों में, तीन पार्ट्स में डिवाइड है, तीन पार्ट्स में डिवाइड है, तो बॉडी डिवीजन कैसा है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट्स में बॉडी डिवाइड हुई हुई है इनकी, जो क्या है, लोकोमोशन के लिए मस्कुलर फूट है, ठीक है जी, हेड है, सेंस ऑर्गन और डोर्सल है, विसरल मास, ठीक है जी, विसरल मास। तो क्या क्या है, क्या क्या कहा मैंने, वेंट्रल सोफ्ट है इनकी, वेंट्रल सोफ्ट है, एंड जो इनकी वेंट्रल साइड है ऊपर वाली वो कैसी है, सॉफ्ट है, ठीक है जी, और क्या है, मस्कुलर फूट्स है, मसल्स वाले इनके अंदर फूट है, पैर है, मस्कुलर फूट है, किसके लिए, पैर किसके लिए होते हैं यार, चलने फिरने के लिए, लोको मोशन के लिए, ठीक है जी। देन क्या बात आती है आपकी, देन मैंने क्या कहा, हेड है, देन क्या है, हेड। अब हेड का काम क्या है, सेंसरी ऑर्गन है ना, तो सेंस ऑर्गन के लिए, और तीसरा क्या है, विसेरियल मास, जिसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना, जैसे सेल होता है स्नेल के बाहर, ठीक है जी, तो वो क्या है, विसेरियल मास है, वो क्या है, मेरा सीन है क्या, वो क्या है, विसेरल मास है। वो क्या है, विसेरल मास है, और किस साइड पे है, ऑन डोर्सल साइड, ऑन डोर्सल साइड, डोर्सल साइड पे क्या है, विसेरल मास है, विसेरल मास है। ठीक है बच्चों जी, तो आगे समझ आपको, ये कोई घबराहट नहीं है इसमें, या चलो डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं, डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं, डोर्सल साइड कौन सी होगी, नीचे वाली ना,
ठीक है जी, और ऊपर वेंट्रल साइड होगी, ठीक है जी, ऐसे ही होती है, डोर्सो वेंट्रल ऊपर से उठी और नीचे से दबी होगी। तो कैसी है इनके अंदर, जो स्नेल्स की बॉडी है, ठीक है जी, मान लीजिए एक बॉडी है जो डोर्सल साइड, इसके पास क्या है, फुट है, इसके लिए लोकोमोशन के लिए, ये हेड है सेंस के लिए, और वेंट्रल ऊपर साइड पे सॉफ्ट मसल है, और ये सॉफ्ट मसल क्या है, कवर्ड है किससे, एक एक्सोस्केलेटन से, जिसे क्या कहते हैं मेंटल, और नीचे क्या है, निचली साइड पर क्या है, विसरल मास, क्या है, विसरल मास है, विसरल मास है, ठीक है जी, विसरल मास है, ठीक है बच्चों जी, आगे इतना समझ, जो स्किन है विसरल मास की, ये क्या करती है, ग्लैंडुलर फोल्ड है, और क्या करती है, जिसे मेंटल कहते हैं और पैलियम कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो विसरल मास है, इसकी जो स्किन है वो कैसी है, फोल्डेड है, घूमी हुई है, ठीक है जी, फोल्डेड है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मेंटल या फिर पैलियम कहते हैं, मेंटल या पैलियम। जो स्किन है विसरल मास की वो कैसी है, फोल्डेड है, और ठीक है जी, फोल्डेड करके क्या कर रही है, प्रोटेक्शन से कर रही है ना, फोल्डेड है, एक मास क्रिएट करती है जो क्या है, फोल्डेड है, जिसे हम मेंटल या पैलियम कहते हैं, मेंटल या पैलियम कहते हैं। और मेंटल क्या बनाता है, मेंटल क्रिएट्स क्या, कैल्केरियस, मेंटल क्या बना रहा है, कैल्केरियस सेल बना रहा है, इनकी छुपने के लिए क्या बना रहा है, कैल्केरियस सेल बना रहा है, ठीक है जी बच्चों। अब ये सांस कैसे लेते हैं, अगर ये टेरिस्ट्रियल फॉर्म में है, एक्वाटिक में है, तो एक्वाटिक कैसे करते हैं रेस्पिरेशन, एक्वाटिक रेस्पिरेशन क्या करते हैं, अगर क्या है एक्वाटिक फॉर्म है, एक्वाटिक फॉर्म में रेस्पिरेशन कैसे होगी, गिल्स के द्वारा, रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स इन एक्वाटिक फॉर्म, ठीक है जी, एंड टेरेस्ट्रियल जमीनी में, कैसी होगी, पल्मोनरी सैक के द्वारा, किसके द्वारा, पल्मोनरी सैक के द्वारा, ठीक है बच्चों जी। टेरेस्ट्रियल फॉर्म में रेस्पिरेशन पल्मोनरी सैक के द्वारा होगी, पल्मोनरी सैक के द्वारा होगी, ठीक है जी। हार्ट इनका ओपन टाइप है, कलर जो ब्लड का वो ब्लू है, क्योंकि इनके अंदर कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन है। तो पहले ये देख लेते हैं, इफ यू हैव सीन एक्वाटिक मोलस्का, अगर आप किसी एक्वाटिक मोलस्का को देखोगे, देन द रेस्पिरेशन मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स इन देम, उनमें रेस्पिरेशन कैसे हो, गिल्स के द्वारा, बट इन टेरेस्ट्रियल मोलस्क रेस्पिरेशन इज बाय पल्मोनरी सैक, टेरेस्ट्रियल मोलस्क के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होगा, पल्मोनरी सैक के द्वारा। देन वी विल टॉक अबाउट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इनके अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम इन मोलस्का इज ओपन टाइप, ओपन टाइप है सर्कुलेशन इनके अंदर, क्या है, ब्लड कैरिंग
इनके ब्लड कैरियर्स कोई भी नर्व और वेंस इनके अंदर नहीं है, ब्लड क्या हर्ट से बाहर आ रहा है, सेल्स क्या कर रही है उस ब्लड के अंदर बात कर रही है, नहा रही है, डुबकी लगा रही है, कोई क्या है ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने और लाने और ले जा वापिस ले जाने के लिए कोई भी वेंस और आर्टरीज नहीं है, तो उस टाइप को हम क्या कहते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर हार्ट के पास कोई भी कैरियर नहीं है लाइक पल्मोनरी लाइक आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है जी। देन इसमें क्या होता है ब्लड क्या करता है, ब्लड क्या करता है वेज आउट फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से बाहर निकलेगा एंड सेल्स डायरेक्टली बात इन टाइम, और सेल क्या करेंगे उसके अंदर बात कर लेंगे, होता है ओपन टाइप, ओपन टाइप होता है। और इसके ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लड कलर कैसा है इनका, ब्लड कलर इज ब्लू, ब्लड कलर इनका नीला है, ब्लड कलर नीला क्यों है, क्योंकि कॉपर कंटेनिंग क्या है इनके अंदर, ब्लड का कलर ब्लू इसलिए है क्योंकि इनके अंदर कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन है, कॉपर कंटेनिंग क्या है हीमोसाइनिन, इनके अंदर कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन है, हीमोसाइनिन है इनके ब्लड के अंदर जो क्या है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है कॉपर, जैसे हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है आयरन, वैसे ही इसलिए हमारे ब्लड का कलर रेड है, वैसे इनके ब्लड के अंदर हीमोसाइनिन है जिसके अंदर कॉपर पाया जाता है, और उस करके इनका ब्लड का रंग कैसा है नीला है, मोलस्का के ब्लड का रंग कैसा है नीला है, कैसा है जी नीला। और ये हीमोसाइनिन क्या होता है जनरली डिजोल्व इन किसमें घुल जाता है प्लाज्मा के अंदर, जनरली डिजोल्व इन इन प्लाज्मा, ठीक है जी। वो किस में घुल जाता है बच्चों, मैं आपको थोड़ा क्लियर से दिखा देता हूं, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण विजिबिलिटी नहीं बन पा रही है, ठीक है जी। इनके ब्लड के अंदर, इनके ब्लड का कलर क्या है ब्लू है, और ब्लू क्यों है, क्यों है जी इनके ब्लड का कलर ब्लू इसलिए है सर क्योंकि इनके ब्लड के अंदर हीमोसाइनिन पाया जाता है, और उस हीमोसाइनिन के अंदर कॉपर पाया जाता है, और जो क्या है डिजोल्व हो जाते हैं ये किसके अंदर प्लाज्मा के अंदर। सो ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास स्टूडेंट्स, स्टे सेफ स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।